ज्ञान गंगा स्टडी चैनल में आप स्वागत है। आइए देखा जाए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए ये उत्तर पुस्तिका का सैंपल निकाला गया है और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं पिछले साल की भांति, इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सो इसको आप आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो शायद आप कोई बहुत ही जरूरी बात मिस्टेक से, भूल से, जो बोलिए आपसे छूट जाएगी और हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको परीक्षा के समय भुगतना पड़े। देखिए ये जो सैंपल है इसको आप गौर से देखिए, इसमें है क्या ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ आपका नाम छपा हुआ मिलेगा, दिख रहा है? उसके बाद आपका रोल कोड छपा हुआ है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट का कोड है, नाम है, ये कौन से सीटिंग में है, कितना रजिस्ट्रेशन नंबर है, परीक्षा कब होगी, ये भी है। और 10 सेट में आएगा ABCD, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें ABCD लिखा रहेगा, वैसे ही यहाँ पे टिक लगा देना है, गोल कर देना है, इसमें कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, जैसा होगा। मान लीजिए अब मेरा डी है तो हम डी में गोलक करेंगे, इस गोल वाले में, ऐसा नहीं करिएगा, अच्छे से कीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद परीक्षार्थी जो है वो अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, विषय का नाम पूरा भरेंगे, तो विषय का नाम यहाँ है वही भर दीजिएगा। परीक्षार्थी अपना नाम यहाँ से देख के भर सकते हैं अगर दिक्कत है तो, और अपना साइन कर लेंगे आप इस जगह, सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए नीचे प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखिएगा, वो मिलेगा आपको भरने के लिए, उसको आपको भरना है, इस चीज़ को दिमाग में रखा जाए। यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं इस वाले पन्ने पर, एक ही पन्ने में है ये, देखिए इसमें भी आपको सब्जेक्ट का कोड मिलेगा, सब्जेक्ट का नाम मिलेगा, कौन सा सीटिंग में एग्ज़ाम है वो मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये सब जो चीज़ है इसमें आपको इवेल्युएशन सेंटर का कोड, जो सेंटर का कोड आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा वो आपके एडमिट कार्ड में होगा, सेंटर का कोड। यहाँ देखिए यहाँ से सेंटर कोड भरना है, ये है। तो ये सब सेंटर कोड आप भले भर सकते हैं, कहते हैं कि इसमें क्लियर लिखता है परीक्षार्थी द्वारा इस भाग को नहीं भरा जाएगा, अगर परीक्षार्थी इस भाग को भरते हैं तो उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा, आपको ये नहीं भरना है, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए, आपको यहाँ छूना ही नहीं। मिडिल वाला भाग देखिए, यहाँ मध्य भाग लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए यहाँ मध्य भाग लिखा हुआ है, इसको नहीं भरिएगा, बिल्कुल भी नहीं भरना आपको, नहीं तो आपको मिलेगा 0/0, ठीक है, आपको इस पन्ने को नहीं भरना है, ध्यान दीजिए। इसके साथ ये है बीच वाला भाग, इसको नहीं भरना आपको। उसके बाद बचाइए इस भाग को, देखिए क्या करना है, इस भाग में परीक्षार्थी 1 से 4 तक को ही भरना है खाली आपको, 1, 2, 3 और ये 4th तक, ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसको आपको नहीं भरना है, ये पहले से भरा हुआ है। अब देखिए क्या क्या, अपना सब्जेक्ट का नाम भर दीजिएगा, है ना, सब्जेक्ट का नाम, माध्यम अगर आप हिंदी भाषी हैं तो देवनागरी लिखिए, ठीक है, इंग्लिश में देना है तो रोमन लिखिए, ओके। सेट आपको उस अभी थोड़े देर पहले बता दिए कि कितने नंबर सेट में क्या है वो भर दीजिएगा। और चौथा, लेखक उपलब्ध कराया गया है कि नहीं, अगर आप विकलांग है तो ऐसे में नहीं, ठीक है, दिव्यांग है तो आप, ये सबों के लिए नहीं होगा, इस चीज़ को जान लीजिए। वैसे बच्चे जो अंधे होते हैं या जिनका हार्ट टूट गया किसी कारण से नहीं लिखे, तो उनको अपने सेंटर वाले इसे पहले से रिपोर्ट कर देना होता है कि हम भाई इस बच्चे को रखेंगे, तो वो लिख देंगे उसके बदले, उसके लिए है, तो ये आपके लिए नहीं है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, देख लीजिए ये उत्तर पुस्तिका का नमूना है, हम इसको थोड़ा जूम कर देना पसंद करेंगे ताकि आप लोग देखिए, ये उत्तर पुस्तिका का नमूना है। कहते हैं इस साइड आपको कुछ नहीं भरना है, ध्यान दीजिए ये जो पोर्शन है यहाँ कुछ नहीं, परीक्षार्थी इसके यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, अंक देने हैं तो स्थान है ये, इसलिए आप यहाँ कुछ नहीं भरिएगा, इस साइड आपको कुछ नहीं भरना है, जो लिखना है ये आपके लिए, आपको यहाँ लिखना है, जो लिखना है यहीं पर लिखना है। चलिए उसके बाद OMR शीट देखिए,
अब आए हम लोग OMR शीट पे। OMR शीट में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या भरना है। इसमें देखिए आपका पहले से OMR शीट में नाम है, रोल नंबर है, रोल कोड है, सीटिंग है, सब चीज़ भरा हुआ है ना। इसमें आपको सेट का जो कोड है वो भर देना है, ये सेट का है, दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पे भर देना है। और सिग्नेचर जो करना है, सिग्नेचर केवल और केवल ये परीक्षार्थियों का पूर्ण हस्ताक्षर है उस पर करना है, याद रखिएगा, इसमें करना है साइन, है ना। आप इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, इसमें नहीं करना है और इधर केंद्राधीक्षक वाले में भी नहीं करना है साइन। देखिए ये रहा आपको आंसर देने के लिए, ये जो है ये जगह आंसर देने के लिए है, ABCD करने के लिए है कि भाई किसका क्या आंसर है। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से ज्ञान गंगा स्टडी चैनल को अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद।